sir. First of all, thank you for giving me a chance to introduce myself and about my success in NDA exam. My name is Abhijit Yadav. I am basically from district Kannauj, but now I am staying in Lucknow. I passed my high school from Prithvan Karst Chandrakhetar Inter College, Sauri, Kannauj with 84%. Then after passing high school, I came to Lucknow and passed my intermediate from Mahatma Budh Memorial Inter College, Lucknow, and get first rank in my college. After that, I want to try for NDA. So I joined Pathfinder Defense Academy, and today I cleared my NDA exam with the help of my teachers. It is result of hard work of my teachers, Team Pathfinder, and all my leaders. I prepared for SSB in Pathfinder Defense Academy, and I will give the credit of my success in NDA to Pathfinder Defense Academy and my parents and all my elders who lead me in a good way. I am thankful to Pathfinder Defense Academy. ओके बेटा, पहली बात आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एनडीए को के रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया है. थैंक यू सर. कुछ एक दो क्वेश्चंस पूछता हूं मैं आपसे ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स, उनको पता चल पाए. पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूं कि हाउ कैन यू गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ पीएफडीए, पाथफाइंडर डिफेंस अकेडमी के बारे में आपको कैसे पता चला, जल्दी बताइए. सर, 12th पास करने के बाद मुझे एनडीए की प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए मैंने अपने फोन पे गूगल किया और बेस्ट डिफेंस अकेडमी इन लखनऊ सर्च किया, तो मुझे पाथफाइंडर डिफेंस अकेडमी नंबर 1 पर आई और उसकी रेटिंग भी सबसे ज्यादा थी. इसलिए मैं यहाँ आया, 5-6 दिन डेमो क्लास की, उसके बाद फाइनली मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया. अच्छा बेटा, तो यानी कि आपने रेटिंग देख करके हमारा एडमिशन लिया था, आपको रेटिंग अच्छी लगी थी. सर, रेटिंग और मैंने रेटिंग पे भरोसा नहीं किया और डेमो भी लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया. एक बात, हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन द अकेडमी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, कैसा रहा है आपका सफर हमारे संस्था में? सर, मैं 12th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से था, इसलिए मेरी इंग्लिश और बेसिक्स काफी वीक थे, तो मैंने यहाँ पे रेगुलर बैच ज्वाइन किया 5 घंटे का. उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा में इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर के लिए अलग से क्लास ली अवस्थी सर से. अच्छा. और मैंने वोकैब्स, हिंदी मीडियम होने के नाते मेरी वोकैब्स का बहुत वीक थी, इसलिए मैंने वोकैब्स के लिए अवस्थी सर से पर्सनल इंटरेक्ट किया. अच्छा बेटा, अच्छा, तो यानी कि आपको जो है बेसिक की पूरी जो है क्लासेस मिली है हमारे यहाँ पर. यस सर, 5 घंटे रेगुलर क्लास के अलावा मैंने 3-4 घंटे बेसिक क्लास की है. अच्छा, वेरी गुड बेटा, ठीक है. अच्छा, हाउ मेनी आवर्स यू हैव स्टडीड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, आपने लगभग कितने घंटे पढ़ाई करी बेटा? सर, मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं कोचिंग में सुबह आता था, 5 घंटे कोचिंग के रेगुलर बैच ज्वाइन करता था, उसके बाद 2-3, 3-4 घंटे यहाँ पे बेसिक्स की क्लास लेता. आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है बेटा अभी? यस सर. और इसके लिए आप अपने जूनियर्स को, आप अपने कलीग्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि एनडीए एग्जाम कोई ज्यादा का एग्जाम नहीं है. फर्स्ट पेपर मैथ होता है, जिसके लिए आपको बस आपके बेसिक्स भी ना हो, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आप आरएस अग्रवाल बुक से उसकी प्रिपरेशन करें. और सेकंड पेपर होता है जीएटी, उसके लिए इंग्लिश यहाँ पे वोकैब्स का ज्यादा पोर्शन होता है एनडीए में, इसलिए यहाँ पे रूट्स मेथड से और लिंकिंग मेथड से आराम से अच्छे से वोकैब्स सिखा दी जाती है लॉन्ग टाइम तक, ताकि हमको याद रहे लिंकिंग मेथड. उसके लिए मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, इसलिए मैं हिंदी मीडियम का होने के नाते भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाया. और जीएटी के लिए यहाँ पे जो मैप से समझाया जाता है, इस वजह से मुझको ज्योग्राफी, हिस्ट्री के क्वेश्चन करने में काफी आसानी हुई. और फिजिक्स, ये मेरा 12th लेवल से ही ठीक था, तो ऑल ओवर मैं जीएटी में भी अच्छा स्कोर कर पाया. अच्छा, कितने क्वेश्चन आपने मैथ्स में किए थे एनडीए के एग्जाम में और कितने जीएटी में किए थे बेटा? सर, मैंने 120 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन किए थे मैथ्स में 80 क्वेश्चन किए थे. वेरी गुड. और जीएटी में कितने किए थे बेटा आपने? सर, जीएटी में
150 में अप्रोक्स मैंने 75-76 क्वेश्चन सही किया था। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है बेटा। और अभी आप कर्नल साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने आपके रिटर्न के प्रिपरेशन में कितना जो है योगदान किया, कितना मोटिवेट किया आपको कर्नल पंकज मेहरा सर ने? सर ही इज मोटिवेटेड वेरी मच मी। जब मैं उनसे पहली बार मिला था तब मुझको अंदर से उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब गाइड किया, तब से मेरे अंदर एक जुनून पैदा हो गया था पढ़ने के लिए। तब से मैंने 5-6 घंटे पढ़ाई करके लगातार उनसे संपर्क में बना रहा, उनसे SSB की भी जानकारी लेता रहा फोन से भी, और क्लास में भी संडे में एक्स्ट्रा क्लास लेकर भी SSB की क्लास की, उनके घर जाकर भी SSB की जानकारी ली। जानकारी लिया सर, चल बहुत अच्छी बात है बेटा। और आप कोई और मैसेज देना चाहते हैं किसी को? सर मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि बस एक जुनून रखिए अपने अंदर पढ़ने का, ज्यादा देर नहीं पढ़ना है, 10-12 घंटा नहीं पढ़ना है, सिर्फ कोचिंग में पढ़ना है 5 घंटा और उतनी देर सेल्फ स्टडी करना। और सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, सिर्फ कोचिंग से कुछ नहीं होने वाला है, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी होगा। चलो ठीक है बेटा, आपको आपके अगले स्टेप की जो है मैं अभी से अग्रिम बधाई देता हूँ, अग्रिम शुभकामना देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो SSB होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा, और दैट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। ठीक है ना, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा, लगा के जम के मेहनत करिए, SSB का बैच स्टार्ट होने वाला है। जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए भी है कि जल्दी SSB का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो कॉन्टैक्ट टू द अकेडमी एंड एज सुन एज पॉसिबल SSB के बैचेस जो स्टार्ट होंगे, जिसमें NDA के एस्पिरेंट्स होंगे हमारे जो क्वालिफाई किए हैं, और उनके लिए बैचेस स्टार्ट किए जाएंगे बेटा। ठीक है बच्चा, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।